गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 लेसन 16 पढ़ाएंगे। वन के मार्ग में, लेसन का नाम है वन के मार्ग में। इसे लिखा है तुलसीदास जी ने, ये सवैया है। कविता पढ़ते हैं पहले। चलिए हम पहले तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे कवि हैं, जिस सवैया को उन्होंने लिखा है, रचना की है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। उनका बचपन कष्टों में बीता। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी मृत्यु सन 1623 में काशी में हुआ। रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस इनका सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तुलसीदास की भाषा अवधी तथा ब्रज है। रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है तो कवितावली मुक्त काव्य है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। अब देखिए हम कविता पढ़ते हैं। सवैया, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। पुरसे निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर वय। फिर बूझती हैं चलनों अब केतिन केतिक चलनों अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित हैं। तियकी लख आतुर तापिय की अखिया अतिचारु चली जल चौं। दूसरा है, जल को गए लखनु है लरिका परिखों पिय छा घरीक हैं ठाढ़े। पोछ पसेऊ पयारी करों अरुपाय पखारूँ भूमि भू भूरी ढारे डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जान की नाह कुनेह लख्यो पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। देखिए इसमें संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत के वन के मार्ग में नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग है, संदर्भ है, ये कवितावली अयोध्या कांड से लिया गया है। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से पहला वरदान मांगा तो भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को वनवास, तो पिता की आज्ञा से राम, लक्ष्मण और सीता तपस्वी का वेश कर वन में निकल पड़े। मार्ग में उन्हें क्या क्या परेशानियां आती हैं इसका वर्णन कवि ने किया है। इसमें पहला है, देखिए, पुर मीन्स नगर, निकसी माने निकली, रघुवीर वधु माने सीता जी, धारी मीन्स धारण, धीर माने धैर्य, मग माने रास्ता, डग माने कदम, झलकी माने दिखाई दी, भाल मीन्स मस्तक, कनी माने बूंद, पुट माने ओठ, तिय माने पत्नी, आतुरता माने व्याकुलता, चारु माने सुंदर, कित माने कहाँ, ती माने पत्नी। अब देखिए व्याख्या है पहले का, पुरसे निकसी। कवि कहते हैं कि
महलों में रहने वाली सुकुमारी सीता जी नगर से निकलकर धैर्य धारण करके रास्ते में दो कदम चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं और उनके दोनों ओंठ सूख गए। फिर वे रामचंद्र से पूछती हैं कि हे प्रिया प्रिय, अभी कितनी दूर चलना है और आराम करने के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे? पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर रामचंद्र जी सुंदर आँखों में श्री रामचंद्र जी के सुंदर आँखों में आंसू झलक आते आंसू बहने लगते हैं। दूसरा है जल को गए लखनऊ हैं। इसमें देखिए लखनऊ माने लक्ष्मण जी, लरिका माने लड़का, परिखों माने प्रतीक्षा, पखारियों माने धोना, भूरी माने गर्म रेत, श्रम मिस मेहनत, कंटक मिस काटा और नेह माने प्रेम, तनु माने शरीर, वारी मीन्स पानी, अस विलोचन मीन्स आँखें। इसमें जो है प्रसंग है, संदर्भ तो वही होगा, प्रसंग है रामचंद्र जी के द्वारा सीता जी की थकान को देखकर पैरों से कांटे निकालने में देर लगाने का सुंदर वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए, सीता जी राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण बालक हैं, वे जल लेने गए हैं, कहीं छाया में बैठकर घड़ी दो खड़े होकर उनका प्रतीक्षा कर लीजिए, मैं आपका पसीना पोछकर हवा करूंगी और गर्म बालू के जल गर्म बालू से जल चुके पैरों को पोछूंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की थकावट को देखकर श्री रामचंद्र जी बड़े देर से तक पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे। जब सीता जी ने रामचंद्र जी का प्रेम देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में अश्रु छलक गए। यह है आपका व्याख्या। अब क्वेश्चन है, संदर्भ शब्दार्थ हमने बता दिया है। क्वेश्चन है देखिए, नगर से बाहर निकलते ही दो पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई? नगर से बाहर, उत्तर है नगर से बाहर निकल कर चलते समय दो पग चलने के बाद सीता जी के साथ माथे पर पसीना छलक आया, उनके मधुर ओठ सूख गए, उन्हें बहुत अधिक थकान हो गई और आराम करने की बात कहने लगी। दूसरा, अब कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, किसने किससे पूछा था और क्यों? ये सीता जी ने रामचंद्र जी से पूछा था क्योंकि महलों में रहने वाली सुकुमारी वन में कठिन मार्गों से क्षण भर चलने में ही थक गई, उनके ओठ सूख गए और माथे पर पसीना छलक आया। तीसरा है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी हैं तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल सके और उनकी थकान कम हो जाए। दोनों सवयों के प्रसंग में अंतर स्पष्ट करिए। उत्तर, प्रथम सवयों में कवि ने राम सीता बन जाने मार्ग में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है और दूसरे सवैया में कवि ने सीता के थकान से पीड़ित होकर आराम देने के लिए रामचंद्र जी के द्वारा पैरों से कांटे निकालने का वर्णन किया है। पांचवा है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन करो अपने शब्दों में। वन का मार्ग ऊंचा नीचा पथरीला था। उत्तर है, वन का मार्ग ऊंचा नीचा पथरीला था, बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियाँ थीं, तेज धूप के कारण मार्ग की धूल गर्म हो रही थी, जिस पर चलना कठिन अत्यंत कठिन था, अतः मार्ग
वन का मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। भाषा की बात, अनुमान और कल्पना। तेज धूप के कारण नंगे पैदल चलते समय ऐसी स्थिति, गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलते समय पांव जलते हैं, ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया खड़ा होकर पांव धो लेने से राहत मिलती है, वैसी ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए, भूख लगने पर भोजन। तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो कुछ समय बाद पूरी होगी। सोचो, लिखो और आवश्यकता को पूरी होने से पहले तुम्हारे मन में वन की दशा कैसी होती, मन की दशा कैसी थी। किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी होने से पहले मन के लिए, मन उसके लिए सदैव व्याकुल रहता है। हम बार बार उस वस्तु के लिए के विषय में सोचते रहते हैं और पाने के बाद का पाने का अनेक प्रयास करते हैं। भाषा की बात देखिए, लखी देखकर, धरी रखकर, पोछी पोछकर, जानी जानकर, ऊपर लिखे शब्दों में एक एक जोड़ा बनाएं। ध्यान से देखें और कक्षाएं बताएं। हमारी भाषा उत्तर है, हमारी भाषा या बोली में हिंदी का थोड़ा बहुत अंतर होता है। हमारी भाषा पंजाबी जैसे दी दा जोड़कर, हिंदी में ती ता जोड़कर अर्थ बताने वाले कुछ शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे हिंदी और पंजाबी भाषा, करती करांदी, खाती खांदी, जाती जांदी, पीता पोंदा, आता आंदा, बताता बतादा। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, इसमें एक बीज है, उसमें एक बीज, जिसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता के द्वारा कहते हैं तो वाक्य के दोनों क्रम में बदलाव आता है, जैसे छां छरीके है ढाड़े को गद्य में ऐसा लिखा जा सकता है, छांव में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर दी गई कविता में पंक्ति को गद्य के शब्दों में लिखो। पुरसे निकसी रघुवीर वधि पुट गए मधुराधर सूख, सूख गए मधुराधर, बैठ विलंब लौट कंटक काढ़े पर्ण कुटी करिहों कितहों। गद्य के रूप में सीता जी नगर से निकली हैं, पहले का है, सूख गए मधुराधर, उनके ओठ दोनों सूख गए हैं, विलंब लो कंठक ठाड़, देर तक बैठकर कांटे निकालना, पर्ण कुटी कहाँ बनाएंगे, ऐसा कहना।